द्वारा अपना ही घात करता है, अपने ही द्वारा अपना ही घात करता है। बोलो ये कितनी गजब बात है। कोई ऐसा करता होगा कि हाँ हम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, हम अपने द्वारा अपना घात कर रहे हैं। पश्चात अन्य प्राणी की हिंसा हो या नहीं हो, जिस समय आत्मा कषाय सहित हुआ उसी समय में अपने ज्ञानानंद वीतराग स्वरूप का घात तो अवश्य ही कर चुका है। मतलब ये अपने ऊपर लगा रहे हैं कि तुम, ये तुमको हिंसा करने की जो मना कर रहे हैं ना, वो इसलिए नहीं कि तुम दूसरों को मत सताओ, दूसरों को मारो मत, दिल मत दुखाओ। अरे दूसरा गया एक तरफ, तुम अपनी हिंसा खुद की मत करो, तुम अपनी परवाह करो। क्या ये धर्म हम दूसरे के कल्याण के लिए नहीं कह रहे हैं? तुम्हारा खुद का कल्याण है इसमें। ये हिंसा मत करो, ये कषाय भाव मत करो, ये इसमें दूसरे के लिए नहीं कह रहे हैं कि दूसरे पे कषाय मत करो, उसको मारो मत, पीटो मत, उस पर गुस्सा मत करो। उस पर गुस्सा करने में तुम्हारी आत्मा का घात है, तुम्हारे ही द्वारा तुम अपना घात कर रहे हो। दुनिया में आत्मघाती से बड़ा कोई पापी नहीं होता है, मालूम है? लोग करते हैं, लोग सोचते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं दुनिया में। क्या ये जो आत्महत्या करने वाला होता है ना, उसको लगता है, देखो फिर अभी मैं फांसी पे झूल जाऊंगा, उसके बाद देखना फिर मेरा पत्र पढ़ेंगे लोग, कहेंगे ओ हो क्या झूल गए, अरे मूर्ख, क्या तेरे को ये नहीं पता कि तेरे बाद में सब तेरे को गाली बकेंगे, कोई उसमें कोई अच्छा काम तो नहीं करके गया, तू घर वालों को परेशान करके गया। इसलिए आत्मघात करना मतलब सबसे बड़ा पाप है। कषाय होती है उसमें बहुत भयंकर, जितने आत्मघात होते हैं सब कषाय के कारण होते हैं, मान सम्मान थोड़ा कम मिलता है, थोड़ी भयंकर मान सम्मान हो, धन का हानि हो जाए, तो ये कषाय हुई ना, लोभादिक की पूर्ति नहीं हुई, मान नहीं हुआ, तो मर जाता आदमी अपना घात करना। तो आत्मघाती को बहुत बड़ा पापी कहते हैं। तो यहाँ कहते हैं जो कषाय करता है वो निरंतर अपना घात कर रहा है, वो हर समय आत्मघाती है और हर समय महापापी है। आत्मघाती महापापी, कषायी महापापी। क्या तुम अपनी हिंसा कर रहे हो हर समय? तुम यदि कषाय भाव कर रहे हो तो अपनी आत्मा का घात कर रहे हो। अपना मतलब अपने ज्ञानानंद स्वभाव का, अपनी शांति का, अपने आनंद का, अपने वीतराग स्वरूप का घात कर चुकता है। देखो आगे, हिंसायां विरमणम हिंसा परिमणनम अभिभवति हिंसा तस्मात् प्रमत्त योगे प्राण व्यपरोपणम नित्यम। हिंसायां अविरमणम, हिंसा दो प्रकार की है, अविरमणम, एक तो अविरमण रूप हिंसा और एक परिणमनम, परिणमन रूप हिंसा। ये अविरमण और परिणमन, एक तो न जा जाए वैसे ही लोग घबरा जाते हैं, अविरमण परिणमन, अविरमण और परिणमन रूप हिंसा दो प्रकार की है। क्या है इसमें अंतर बताओ, अविरमण रूप हिंसा क्या है? अविरमण रूप हिंसा वो है, हाँ है, हाँ क्या है, सही है वो। अविरमण रूप मतलब हमारा विरमण मतलब विरत नहीं है, विरत तो नहीं है, अलग नहीं हुए उससे, भले ही प्रवृत्ति नहीं कर रहे लेकिन अलग भी नहीं हुई। हम आज रात को खा नहीं रहे लेकिन हमारे को मौका पड़ जाए तो खा भी सकते हैं, नियम पूर्वक त्याग क्या। वैसे तो हम कोई रोज रात को खाते नहीं लेकिन हमें त्याग भी नहीं, तो वो जो उससे उस हिंसा से आप विरत नहीं हुए हो, तो एक तो अविरति का पाप है और एक प्रवृत्ति का पाप है। जिस दिन रात को खाओगे उस दिन डबल लगेगा,
और जिस दिन नहीं खा रहा है उस दिन आधा लग रहा है, नहीं खा रहे हो तो क्यों लग रहा है? क्योंकि खाने का भाव अभी गया नहीं है, अभी वृत्ति नहीं हुई है, विरत नहीं हुआ है। क्या अभी मौका पड़ जाए तो खा सकता है? दारू का त्याग है? नहीं, पीते तो ही नहीं, कभी नहीं पीते, बड़ी बात सवाल नहीं उठता। तो त्याग क्यों नहीं है? क्या पता, तो क्या पता है क्या मतलब, क्या पता है क्या मतलब है? ये जो क्या पता वाली चीज है, यही इसका मतलब है राग विद्यमान। मध्य मास मधु का गृहस्थ त्यागी होता है, जो मध्य मास मधु के त्यागी नहीं होते हैं वो किसी भी तरह के मूल गुण को अंगीकार करने में, मतलब धर्म क्या प्राप्त करेंगे? क्यों दारू का त्याग नहीं कर सकता बंदा? आगे कहेंगे इन तीन का त्याग तो होना ही चाहिए गृहस्थ को, बुद्धिपूर्वक। ऐसा नहीं नहीं हम नहीं लेते, हमने त्याग की बचपन से जरूरत थी, हम तो कभी लिया ही नहीं। लेकिन त्याग करो, क्यों त्याग करो? क्योंकि त्याग नहीं करोगे तो किसी दिन जरूरत पड़ जाएगी तो कह दोगे हाँ हमारे त्याग तो ऐसे भी नहीं है, उसमें क्या है। त्यागी हुई वस्तु का सेवन स्वप्न में भी नहीं होता है, दवाई की छूट उसमें लिख दो कागज पे, दवाई छोड़कर बाकी सब औषधि के अलावा लिख दो। अरे औषधि छोड़ के और कोई नहीं, और का नहीं मालूम हो है, और काहे में नहीं मालूम हो, और कौन सी ऐसी चीज होती है जैसे मालूम नहीं पड़े और मजबूरी हो पीना पड़े, मालूम नहीं पड़े तो मालूम करो, ऐसे कुछ भी डाल लेंगे मुंह में। औषधि एक बचा रहा, चलो औषधि को छोड़कर लिख दो, औषधि छोड़कर कभी भी हम मध्य अर्थात शराब का सेवन नहीं करेंगे, बताओ इसमें कोई दिक्कत है क्या? रूह आप जब पियो तो पहले पढ़ लो कि उसमें कहीं दराब शराब का कण तो नहीं मिलाया है, हर चीज में पढ़ लो है। हाँ तो हनी होता है तो नहीं खा सकते जो भी चीजें, अरे ये सब बाजार की चीजें, में हनी नहीं होएगा तो कैसे खाएंगे? सब डालते हो, उसमें लिखा भी रहता है और नाम भी उसका क्या है, रूह अब्जा मुसलमान नाम है, और पी रहे हो आराम से जैन हो क्या है? आत्मा भी है वो उसमें किसी की, उसमें शरीर है लोगों का, रूह अलग है और आत्मा अलग है, और उसको भी पीना ही कर रहा आपने, आत्मा भी है था। तो आत्मा की ठंडक उससे नहीं आएगी। देखो ऐसा है, ये जो नाम ही बताते हैं कि ये किसका प्रोडक्ट है, किसने बनाया, इसको बनाने वाली कंपनी कौन है, बता रही कि नहीं नाम इसका, किसको बनाने वाला कोई जैनी तो सवाल ही नहीं उठता है, हिंदू भी नहीं होगा, कौन होगा? मुसलमान। अब उसके बनाए हुए प्रोडक्ट अपन यूज कर रहे हैं, वृत्ति तो छोड़ो प्रवृत्ति नहीं छूट रही है। वृत्ति का त्याग मतलब कि अवृत्ति का त्याग मतलब ये होता है कि चलो हम नहीं छोड़ा है हमने, लेकिन प्रवृत्ति नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये तो जो प्रवृत्ति कर रहे हैं उनका क्या होएगा? ये बाजार के जितने भी ड्रिंक्स है ये तो सब बेकार है। ऐसा है देखो, अपने को थोड़ा बहुत रसना इंद्रिय का संयम तो रखना होगा। यदि अपन यहाँ स्वाध्याय करने बैठे, एक तरफ तो अपने को ये समझ में आ रहा, अपन समझ रहे आत्मा अनशन स्वभावी है, ज्ञानानंद स्वभावी है, आत्मा का तो ज्ञान ही आनंद, ज्ञान ही भोजन है। जो आदमी ये बातें सुनता हो उसके लिए फिर अभक्ष खाना शोभता नहीं है। एक तरह उपास की बात सुन रहे हो, छह रसों की, नमक की भी त्याग की और घी भी की भी, सोमवार को कौन सा छोड़ना चाहिए, मंगलवार को है और बुधवार को रूह अब्जा पी रहे हो, क्या मतलब दे सकता? शेख बादाम है, काय की ठंडाई होती है वो किसकी?
गुरु जी ये बहुत ये सब गलत है। अपने घरों में ऐसे संस्कार थे कि अपन हर चीज अपने घर में बना लेते थे, उसमें क्या है, थोड़ी 19-20 रहेगी पर उसमें दिक्कत क्या है, बना लो अपने हाथ से ठंडे ही पीना। हमारी माता जी ठंडे ही बनाती, बहुत बढ़िया। गुरु जी कहीं लगे उसका क्या, सीख लो आप लोगों से, सीख लो, ट्रेनिंग दिलवा देगी। सचमुच कह रहा हूँ मैंने तो देखा कि बाजार की वास्तव में कोई वस्तु की जरूरत नहीं, अपन लोग हर चीज घर में बना सकते हैं। अपना प्रमाद और आलस है और खाने की लंपटता है, ये दो ही कारण है, प्रमाद और लंपटता। पर ये दोनों धर्म के काम में छोड़ना पड़ेगा। यदि धर्म करना है तो छोड़ना होगा, धर्म नहीं करना है तो करो जो करना है। यहाँ आने वाले लोगों को बाजार की चीजें छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो रत्नगण शाकाचार पढ़ना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इसमें यही वर्णन आएगा सर, इसमें आएगा, बार बार आएगा कि इसमें इतनी हिंसा होती है। अभी तो ये सब आएगा, चढ़ना नहीं होगा, पूरा ग्रंथ है। और यदि ज्यादा जल्दी पढ़ना हो तो अभी पहले आ जाएगा। देखो इसमें इधर निकालो, पेज नंबर 143 या फिर 146 पेज निकलो, 146 पेज निकालो, निकाल लिया 146 पेज। क्या लिखा है इसका नीचे, नीचे पढ़ना था 146 पेज के नीचे क्या लिखा है, इसको पढ़ो, आप लोग ही पढ़ो, आप में से कोई एक आध जना पढ़ो जो भोजन बाजार का। मैं पढ़ता हूँ, देखो चलो। होटल बाजार का भोजन त्याग, बाजार की दुकानों का आटा कभी नहीं खाना चाहिए। आटे की मना कर रहे हैं तो आटे की बनी हुई रोटी का है? और डबल रोटी बेचने वालों क्या, अरे आटे का ही मना कर रहे हैं ये, बाकी तो ठीक है। और आगे तो आगे और पढ़ेंगे अपन, तो ये कब की बात कर रहे हैं ये पंडित जी, 200 साल पहले की, और अब तो कितनी तरक्की की दुकानदारों ने। बेचने वालों क्या सभी चमारिन खटकनी मुसलमानिन धोबिन इत्यादि पिसती है, मैंने बाजार की दुकान का आटा भी नहीं खाना चाहिए। आटा लोग खरीदते ना बाजार से, या बाहर पिसवाना भी नहीं, चीतता तक कह रहे हो तो क्यों नहीं पिसवाना चाहिए, क्योंकि बेचने वालों क्या सभी चमारिन खटकनी मुसलमानिन धोबिन इत्यादि पिसती है। मुसलमान धोबी बलाई आदि को राजा के तबेला तोप खाने से आटा मिलता है, उनसे बाजार के दुकानदार खरीद लेते हैं, या उनको मिलता है ना सस्ता वाला आटा, तो ये लोग खरीद लाते हैं। उस समय में ऐसा था, मतलब ये आटा एक महीने या 6 महीने पहले का पिसा हुआ हो, कोई मर्यादा नहीं है, उसमें हजारों इल्लियां हो जाती है। बहुत लोग तो गुना अनाज लेकर पिसवा कर बेचते हैं, तथा खरीदने वाले मुसलमान मिलेच चादी सभी उसी आटे में हाथों को लगाकर तुलाकर ले जाते हैं। मुसलमानों के नुक्ता मृत्यु भोज विवाह में यदि काम में नहीं आता है
तो वे आधा आटा तो उसन लेते हैं और आधा दुकानदार को ही वापिस कर देते हैं। बाजार की तरह साहब बेसन जो आता है, भुने हुए चने का आता है बेसन, उसकी सेव बनती है, घर में महंगी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सा चना अच्छा होता है ना, अपन अच्छा डंकी चना नहीं उपयोग में लेते, डंकी चना महंगा आता है और ये बाजार में डंकी चना सस्ता आता है। सस्ता चना खरीद के और उससे पिसवा के और उसकी सेव बनाते हैं तो वो घर से सस्ती पड़ती है। लोगों को लगता है घर पे इतनी मेहनत करो, इससे तो बाजार की खा लो। और जीवान को भी ज्यादा अच्छी लगती है, मेन कारण तो वो है कि सस्ती महंगी तो बात की बात है। तेल, वो जो तेल होता है ना, वो मौत है, मौत, क्योंकि वो तेल में अनेक बार जलाया गया होता है, वो अनसेचुरेटेड फैट की तरह पूरे बॉडी में जमा होता है। वो तेल खाना ही नहीं चाहिए, वो तेल जो होता है ना, तेल एक बार गर्म करने के बाद में दूसरी बार तेल उपयोग में ही नहीं लेना चाहिए। कौन सा तेल कहते हैं लोग उसको? काय का तेल, चला हुआ तेल को क्या बोलते हैं? जो है, मतलब सीधी सी बात है, एक बार जला हुआ तेल दूसरी बार उपयोग में नहीं लेना चाहिए। आपकी भाइयों को दे दो भले, बिचारी को मत देना, मरेगी जल्दी, तुम्हारा काम भी करेगी। फिर भी अब उसको, वो तो वैसे भी तीन तीन बार जला रही है, एक बार बस, एक बार जो तेल उपयोग में ले लिया खत्म। वो बाजार वाले क्या करते हैं, उनका जो तेल होता है वो, अरे 25 बार 50 बार वही 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 तेल, महीनों तक वो तेल जब तक जले नहीं, काला नहीं पड़ जाए तब तक बाहर नहीं निकालते हैं। इसलिए बाजार का खाना जीव इंसान की अपेक्षा से तो सेकेंडरी है, मैं तो कहता हूँ जीव इच्छा की अपेक्षा तो प्राइमरी है। सेकेंडरी बात ये भी है कि उसमें हेल्थ बहुत खत्म हो जाती है। वो तेल तेल नहीं है, वो सारा धमनियों में जमता है, धमनियाँ ब्लॉक हो जाती है, फिर हम डॉक्टर के जाते हैं तो उससे इलाज कराते हैं। सब बाजार के खाने वालों को बीमारियाँ होती हैं। अपने को कोई पंडित हार्ट अटैक से मिलता, कोई नहीं मरता। क्यों मरे पंडित हार्ट अटैक? पंडित को हार्ट अटैक देने वाला कौन है? वो दूसरों को अटैक देता है। क्यों? क्योंकि उसकी धमनियां क्यों जाम हो? एक तो चिंता नहीं, दूसरी बाजार का खाना नहीं। इसलिए आराम से जीते हैं, मतलब मुजराज भी जीते, क्योंकि ये क्या होता है कि ये अभक्ष भक्षण जो है वो नहीं हो और फालतू के विकल्प नहीं हो तो आदमी लंबा जी लेगा आराम से। और ये सब आदतें रखेगा तो वो है, बाजार की खाने की आदत है, सोने की लेट आदत है, सुबह उठने की लेट आदत है, व्यायाम करना नहीं है, खाने पे कोई कंट्रोल नहीं है, टेंशन से जिंदगी है, मरेगा जल्दी और क्या है, नरक जैसी जिंदगी जीते फिर क्या। इसलिए ये सब का निषेध है। देखो जीवन में धर्म जो है अपना जीवन भी सुखी बनाता है। ये बहुत थोड़ी सी तकलीफ है जीवान का, थोड़ा सा संयम, लेकिन अपना ये भाव भी सुधरता है और हर भाव भी सुधरता है। आगे देखो और आगे क्या कहते हैं। धर्मशाला होटल के दुकानदार का पीतल का कांसे का लोहे का बर्तन भोजन करने बनाने के लिए लेना योग्य नहीं है। बर्तन भी नहीं लेना चाहिए, टेंट हाउस के बर्तन। अब ये खाने की तो बहुत दूर की बात कर रहे हैं, मतलब पंडित जी के जमाने में इतना खाना नहीं चालू हुआ था बाजार का, लेकिन लोगों ने बाजार के बर्तन जरूर ले आते थे अपने खाने के उपयोग में या बनाने के लिए, तो उसका उन्होंने निषेध किया। तो सभी मांस भक्षी दुराचारियों को भी वे ही बर्तन दे देता है। क्यों? पहले अपनी यहाँ धर्मशालाएं होती थी, आदिनाथ मांगलिक भवन, शांतिनाथ मांगलिक भवन, चंद्रगुरु मांगलिक भवन, तो इनमें बर्तन होते थे ना, जो तो वो बर्तन जैनियों की शादी के लिए काम आते थे। वो जैनी कोई भी अपनी शादी में मांस, शराब, अंडा, मछली, शहद इनका उपयोग नहीं करेगा, तो इसलिए वो बर्तन में आराम से निश्चिंता से हम खा सकते हैं, क्योंकि ये पक्का है कि ये बर्तन कभी भी मांस के काम में नहीं आए। और अब क्या हो गया, अब हम कहाँ जाते हैं शादी के लिए? ये हमारे सारे मांगलिक भवन खाली पड़े रहते हैं, हम तो वहां जाते हैं, वहां वो वहां कहीं जहां 25 किलोमीटर जाने में, 25 किलोमीटर आने में लग जाए टाइम, एक घंटा जाने में, एक घंटा आने में, 10-20 किलोमीटर दूर,
क्या बिल्कुल जहाँ जंगल हो एकदम, गार्डन हो, मुसलमान होटल हो, मतलब होटल भी जिसमें सब पंता करता हो, टेंट हाउस के बर्तन हो, खूब खर्चा हो, लोग परेशान हो और बस मौज जाते हैं सब। पता ही नहीं क्या है ये, कौन सा कल्चर आया है, समझ में नहीं आता मेरे। क्या अपनी दादियों की शादी नहीं हुई थी क्या? अच्छी खास अच्छी हो गई थी, बढ़िया, दादाजी से अच्छे प्रेम से रही जिंदगी भर पूरे टाइम, कुछ नहीं बिगड़ा उनका। आदिनाथ मांगलिक भवन की शादी अच्छी थी उनकी। और ये जो हमारे बहनों की और बेटियों की जो शादी हो रही है, वो वहाँ जाके भी रोज लड़ रहे हैं। हमारी शादी बहुत अच्छी होनी चाहिए, अच्छी होगी। अब तो दोनों को देखते हैं ना कि देखो इनको, देखो इनको, देखो क्या इनको, इनके माँ बाप सब कुछ कर रहे हैं तो भी इनको संतुष्टि नहीं है, बोले हमारे पिताजी ने नहीं किया। क्या और वो बेचारे इतने इसमें संतुष्ट थे, बिल्कुल आनंदित रहते थे। कौन सुखी है, सुखी कौन है बताओ? ये इतना धन खर्च करके भी दुखी है और वो बिना धन खर्च करके आनंद लूटते थे जीवन का। आनंद किसको कहते हैं क्या जाने लोग, इनको तो फोकट की दिखाने में और झूठी शानो शौकत में खर्च कर। सही में सब बंद हो जाना चाहिए वास्तव में, यदि समाज में थोड़े भी विवेक हो तो। ये जितने भी ये जो गार्डन वार्डन का कल्चर चालू हुआ है, ये बंद होना चाहिए और समाज के ही जो स्थान है उनको ही उपयोग में लेना चाहिए, ताकि पैसा समाज का समाज में ही ले जाए और वो बर्तन भी सही होएंगे, दिन में बने, दिन में सब काम हो और अपने लोगों को काम मिले, अच्छी बढ़िया इकोनॉमी भी चले बढ़िया से। जेनी का जेनी के काम में आना चाहिए। जेनी अभक्ष खाने लग जाएगा, होटल वालों को अपने होटल ले लेगा उनकी, वो कितना लाखों रुपये चले जाता है, या एक एक रुपये करके जोड़ते हैं वह सब चले जाता है। इसलिए ये विचार की बात है, नहीं होना चाहिए। क्या मतलब वो केवल एक दिन की बढ़ाई है, और बढ़ाई भी काहे की, उसमें तो पाप का काम ज़्यादा ही हुआ ना। देखो रात्रि भोजन कराते हैं उसमें सब लोग, गार्डन पे घास पे खिलाते हैं, तो कौन सा उसमें धर्म हो रहा है? हिंसा हिंसा काम है सब। क्यों? इसलिए विचार करना। तो ये बाजार के भोजन की भी यही स्थिति है, घर के भी खा सकते हैं आराम से, घर पे खाओगे आचार की उज्ज्वलता रहेगी, लोग व्यवहार अच्छा रहेगा, लोग मतलब सड़क पे खाते, बाजार में खाना कोई जेनी के लायक तो नहीं। और उसके कैसे बर्तन बनाने वाला कैसा, उसके हाथ कैसे, उसके विचार कैसे, वो वस्तु कैसी, पानी छना नहीं छना, क्या है क्या पता है बताओ आटा, वो आटा कितने दिन का है, वो तेल कब का है, वो उसमें जो भी नमक मिर्च डाला है वो कौन सा है, कैसा है, किस कहाँ का है, कुछ भी नहीं पता आपको। इसलिए अपने आचरण की यदि उज्ज्वलता बनाए रखना चाहते हो तो दो तीन चार बर्तन अपने पास में रखकर विदेश में बाहर गमन के लिए निकलना चाहिए, और वहाँ पर दमड़ी चौथाई पैसा अधिक देकर आटा तैयार कराकर खाना चाहिए। यदि विधि अनुसार आटा बनाकर यदि विधि अनुसार आटा तैयार नहीं प्राप्त हो सके तो खिचड़ी और घुघरी बनाकर खा लेना चाहिए। और आगे पढ़ लो और भी थोड़ा सा। अभक्ष त्याग, बाजार की मिठाई, लड्डू, बर्फी, घेवर और कचौड़ी वगैरह आदि, आदि लिखा आदि, आदि में सब आ गया, आदि नहीं खाना चाहिए। इनके आटे का, घी का, जल का कुछ भी प्रामाणिक बना नहीं है, परिमाण नहीं है, मर्यादा नहीं है। लोभी तथा अनिंद कर्मियों के कोई आचार विचार का विवेक नहीं होता है। मैदे का खमीरा बनाकर सड़ाते हैं, खट्टा होते हैं, उसमें अनंतानंद जीव उत्पन्न होने लगते हैं। फिर कढ़ाई के गर्म घी या तेल में पकाते हैं, भूनते हैं, जलेबी बनाते हैं, साबुनी बनाते हैं, जो खाने के योग्य नहीं है। दही में खांड गुड़ा मिलाकर बहुत समय तक नहीं रखना चाहिए। दो मुहूर्त नहीं खाना योग्य है। श्रीखंड के लिए कह रहे हैं श्रीखंड 48 मिनट में खा लेना चाहिए। दही में शक्कर मिला के खांड, मतलब शक्कर होती खांड, और बूढ़ा तो दही में मीठा मिलाने के बाद में उसको दो मुहूर्त से ज़्यादा, मैंने 48 मिनट से ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। और सुनो,
अपने पुत्र, भाई, मित्र, एक्चुअल में ना पंडित जी ने एक जगह छोड़ दिया, उनको नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला है। स्त्री और पति भी जोड़ना था उनमें, क्या उसके साथ भी शामिल होकर एक ही बर्तन में भोजन करना उचित नहीं है। पेशन तो क्या है, नरक। देखो इस काल में लिखा है कि जैसे जैसे छठा काल निकट आएगा वैसे वैसे जीव महा दुखी होते जाएंगे और कषाय तीव्र होगी और अधिकांश जीव नरक और तिरंज गति में जाएंगे, ऐसा लिखा है शास्त्रों। तो ऐसे सब काम नहीं करे तो जाएंगे कैसे ऐसे? अरे झूठन होती है, झूठन से जीव उत्पन्न होते हैं, अपनी झूठन बार बार वही, वो उसकी झूठन अपनी झूठन, सम्मूर्छन जीव पैदा होते हैं उससे। भोजन करो अलग अलग, तामिल भोजन करने का मना कर रहे हैं। जलेबी वलेबी तो खैर उन्होंने एक चीज अलग से दे दी, सभी जलेबी क्या, कचौड़ी क्या, सभी चीजें भक्ष है। बाजार की सीधी सी बात है, कोई भी चीज नहीं खाना चाहिए बस। चलो वापिस आ जाओ अपन को, वही ये सब लिखा है इसमें। अभी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको पढ़ने के पहले अपने को बहुत अपने अंदर में थोड़ी योग्यता आना जरूरी है, नहीं तो ये पढ़ना ही हो जाएगा। ये लोग पूछेंगे रत्नेन शाह का चर पढ़ा, हाँ पढ़ा, उसमें ये भी आया, हाँ आया था, पढ़ तो लिया, तो पढ़ लिया उसका क्या मतलब निकला? थोड़ा सा राग का त्याग है और तो कुछ नहीं है। तो हिंसा के विषय में विरक्त होकर उसका त्याग नहीं करना वो भी हिंसा है। हिंसा के विषय में विरक्त होकर उसका त्याग नहीं करना, उसे विरक्त नहीं होना हिंसा से, वो भी हिंसा है। क्योंकि हिंसा से विरक्त नहीं हुए ना, किसी वस्तु से विरक्त नहीं हुए, त्याग नहीं किया, तो हिंसा है, उसका राग भाव है उसकी हिंसा है। और हिंसा में प्रवृत्ति करना वह तो हिंसा है, कोई भी चीज खाना तो हिंसा है ही, लेकिन खाना नहीं छोड़ना भी हिंसा ही है। यदि अभक्ष अभक्ष वस्तु क्यों, क्योंकि उस संबंधी हिंसा अपने अपने को भी उस जीव की दया का पूरा भाव नहीं आया है। यदि भाव आता तो अपन उससे बिल्कुल विरत हो जाते हैं कि हम कुछ भी हो जाए हम नहीं खाएंगे इसको, क्यों, क्योंकि इसमें जीव हिंसा होती है, हमें जीव की दया का भाव है, इसलिए हम अपनी हम मर जाए, स्वयं मर जाए तो मर जाए, लेकिन हम कभी सपने में भी इस जीव की हिंसा नहीं करेंगे, तो हम उसकी हिंसा से पूरी तरह से निवृत्त है। और यदि हमारे कोई एक नई जरूरत पड़ गई तो अभी हम उसकी हिंसा से विरत नहीं है, माना हमें उसकी पूरी दया का भाव नहीं है। समझ में आ रही कि नहीं बात? और प्रवृत्ति, हिंसा में प्रवृत्ति करना हो तो हिंसा है, रात्रि भोजन करें वो तो हिंसा है ही, रात्रि भोजन से निवृत्त नहीं हो तो भी हिंसा ही है। प्रमत्त योग होने से प्राणों का घात नित्य ही लगातार होता रहता है। क्या कह रहे हैं? जिसके प्रमाद है, कषाय भाव है, राग भाव है, तो उसके अपने प्राणों का घात निरंतर हो रहा है। प्रमाद और कषाय जीव की हिंसा कारण, अपना और दूसरे का घात हो जाने की सावधानी से रहित जो मन वचन काय रूप योगों का प्रवर्तन है उसका नाम प्रमत्त योग है। क्या? अपने और दूसरे की सावधानी नहीं, मैंने सावधानी मतलब कि अपना घात भी हो जाए दूसरे का घात भी हो जाए, ये सावधानी नहीं। अपन खैर अपना तो बहुत ध्यान रखते हैं, अपना घात भी हो चलेंगे तो ध्यान से, लेकिन हम दूसरे का ध्यान नहीं रखते कि दूसरे का घात तो नहीं है। हम चल रहे हैं, हम तो स्वयं अपने लिए सावधानी से चल रहे हैं, लेकिन हम दूसरे की सावधानी नहीं कर रहे कि उसके जीव का घात तो नहीं हो जाए। अपन अपना पांव तो देख के संभाल के रख रहे हैं, लेकिन वो चींटी की संभाल नहीं कर रहे हैं कि हमारा पांव कहीं चींटी के ऊपर नहीं चले जाए, चींटी मरे तो मरे, हमारा पांव कहीं गलत जगह नहीं चले जाए। तो ये प्रमाद योग है तुम्हारा, प्रमत्त योग का त्याग उसको कहते हैं जब अपने और दूसरे के प्राणों की घात न हो, ऐसी सावधानी पूर्वक मन वचन काय की प्रवृत्ति रखना वो अप्रमत्त है, अन्यथा प्रमत्त है। समझ में आ रही है? प्रमाद क्या है? सावधानी के अभाव का नाम ही प्रमाद है और सावधानी का नाम ही अप्रमाद है। चाहे वो मन की प्रवृत्ति हो, मन की प्रवृत्ति भी सावधानी पूर्वक हो, किसी के हिंसा का भाव न हो, वचन में किसी की हिंसा न हो, किसी को पीड़ा नहीं पहुंचे,
काया से कोई ऐसा प्रवृत्ति नहीं करे जिससे अन्य जीवों के प्राणों को पीड़ा पहुंचे। तो मन वचन काय की प्रवृत्ति अन्य जीव की हिंसा से रहित हो तो वो अप्रमत्त दशा है, और यदि मन वचन काय की प्रवृत्ति में दूसरे जीव की सावधानी नहीं है तो प्रमत्त योग है। और जहाँ प्रमत्त योग है वहां शास्त्र की लगातार होने वाली हिंसा है, वह हिंसा नित्य ही है लगातार, प्रमाद है वह हिंसा है। यदि कोई हिंसा तो नहीं करता है किंतु हिंसा से विरक्त होकर हिंसा का त्याग भी नहीं करता है तो वह सोते हुए बिलाव के समान सदा कान हिंसक ही है। इससे बढ़िया तो और कोई उदाहरण दे ही नहीं सकता। ये बिलाव कौन होता है मालूम है आपको? ये बिल्ली का हस्बैंड होता है बिलाव। बिलाव मतलब बिल्ली, मादा बिल्ली, बिल्ला, बिल्ला तो बिल्ली का हस्बैंड ही तो है बिल्ला। तो वो सो रहा है, अब सोते समय तो वो चूहे को पकड़ नहीं रहा है ना, ढूंढ रहा है चूहे को। बिल्ली पूरे टाइम में तो ढूंढती थी, खोज करती थी, बिल्ली है चूहे है, इनके पूरा पूरा समय जब जागते रहते हैं ना नाक से और इससे आंखों से पूरे समय खोजते रहते हैं क्या ये कमरे में अपने को चूहे नहीं दिखे, उनको चूहे दिख जाते। अब लेकिन सो रही है तब वो हिंसा है कि नहीं बताओ? सोती हुई बिल्ली हिंसक है कि हिंसा पाप से रहित है? सोती हुई बिल्ली तो किसी चूहे को नहीं मार रही है, लेकिन क्या वो सोती हुई बिल्ली क्या चूहे की हिंसा से विरक्त हो गई है? जाग जाए उसके ऊपर कोई चूहा खेल रहा होगा तो नहीं मारेगी? अरे बीच में यदि नींद खुल जाए और कोई चूहा दिखेगा तो मारेगी। तो वो अभी हिंसा से निवृत्त नहीं हुई है। हिंसा से निवृत्ति तब कही जाती जब वो जागने के बाद भी बीच में जग जाए तो भी हिंसा न करे तो वो विरक्त है, अन्यथा सोती हुई बिल्ली को भी हिंसा निरंतर चल ही रही है, क्योंकि सोती हुई बिल्ली के भी चूहे के मारने का भाव खत्म नहीं हुआ है, उस समय भी उसके मारने का भाव विद्यमान है। सो गई है तो क्या हुआ? सो गई है तो थकान के मारे, लेकिन कोई उसके अंदर में चूहे मारने का भाव निकल तो ही नहीं गया। हिंसक के तो 24 घंटे हिंसा है, कसाई 24 घंटे हिंसक है क्योंकि उसके 24 घंटे मारने का भाव है, नहीं मार रहा तो उससे क्या हुआ? अरे तुम भले अभी बकरी नहीं मार रहे हो लेकिन तुम्हारे मारने का भाव है, तुम साल भर हिंसक हो, नहीं मार रहे तो क्या हुआ? मारने का भाव है कि तुम्हारे मुर्गियों को इनको क्या करे? दुकान पे आदमी बैठा है, ग्राहक नहीं आ रहा है भले ही, तो भी उसको मुर्गी मारने का पाप लग रहा है। क्यों? क्योंकि भले मुर्गी मरी नहीं क्योंकि आज कोई ग्राहक आया नहीं, किसी मुर्गी का मांस इसलिए बेच पाया क्योंकि कोई ग्राहक नहीं आया, इसलिए आज एक भी नहीं मारी, लेकिन एक भी मारी नहीं, लेकिन यदि 50 आते तो मारता, 100 आते तो 100 मारता, 1000 आते तो 1000 मारता, अनंत आते तो अनंत मारता, तो उसके अभिप्राय में जो अनंतों की हिंसा है उसका पाप लग रहा है उसको। दयालु सदाकाल दया के भाव रखते हुए सदाकाल अहिंसक है, और हिंसक व्यक्ति उसके अभिप्राय में दूसरे को पीड़ा देने का भाव होने से वह अनंत जीवों का हिंसक है, एक कई नहीं अनंतों का हिंसक है, क्योंकि उसके अभिप्राय में दूसरे जीवों की दया भाव नहीं है। उसके अभिप्राय में तो जो भी अनंत जीव हो अनंतों को मारना चाहिए और अपना प्रयोजन साधना चाहिए। यदि दुकान पे लाख मुर्गी का ऑर्डर मिल जाए तो मजा आ जाए, अभिप्राय में तो लाख के मारने का है। क्या अभिप्राय में यदि दुष्टता है तो पापी हो, चाहे हिंसा करो चाहे नहीं करो। सोते हुए बिलाव के समान सदाकाल हिंसक ही, और जो मैं हिंसा में प्रवर्तन करता है वह तो हिंसक है ही, इसलिए बाह्य हिंसा का निमित्त मिले भी या ना मिले भावों से तो दोनों ही हिंसक है।
भाव की हिंसा तो लग गई। बहुत गजब वर्णन किया वास्तव में कि कितना सूक्ष्मता से हम बस चीजों को समझते हैं कि हमने ये किया तो हिंसा हो गई, नहीं किया तो नहीं। हमने परिणामों पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, हमारा परिणाम मारने का है तो हम सतत हिंसा के, और एक जीव को ही मारने का भाव है तो हम अनंत के मारने के भाव है। ये एक हमारे प्रतिकूलता से एक हमारे प्रतिकूल प्रवर्तन कर रहा है और इसको मारना चाहिए, तो हमारे जितने भी अनंत जितने भी जीव हमारे प्रतिकूल प्रवर्तन करेंगे उन सबको मारने का भाव होगा। तो बोले अंदर में तो यही भाव है ना कि सबको भी मारूंगा, जो भी ऐसा नहीं करेगा उन सबको मारूंगा, तुम सबको मैंने अनंतों को मारने का भाव, अनंतानुबंधी कषाय इसकी तो नाम, अनंतानुबंधी कोई कषाय कोई अनंतों को तो ही मारता है, नहीं अभिप्राय उसका अनंत के मारने का होता है। मार तो इसलिए नहीं पाता क्योंकि सरकार का डर है, भय है, लेकिन उसके हिसाब से तो किसी ने मेरा अपमान किया उसको मार देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। तो ऐसे एक को मारा क्या तुमने, तो नहीं मारा हो एक को, तेरे अभिप्राय में तो सबको मारने का भाव, हिंसक हिंसक सतत हिंसक है। आगे देखो एक और गाथा पढ़ता हूँ, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, हिंसा यतन्निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना भवति पुंसा, यद्यपि पर वस्तु के कारण तो सूक्ष्म भी हिंसा किसी पुरुष को नहीं होती है, पर वस्तु के कारण नहीं होती है, तो फिर पर वस्तु से कोई दिक्कत नहीं, पंखे से तो कोई हिंसा होती नहीं, क्यों? कि पंखा तो हमारे भाव से नहीं, हमारे भाव तो बहुत निर्मल है, इतने निर्मल है सबकी हिंसा हो, ये बटन तो मत दब गया ऐसे, ऐसी बातें करते हैं लोग। तो अपने तो बहुत भाव निर्मल है, अपने तो इतने निर्मल भाव रहते हैं, ये तो जो भी है क्या करे, बच्चे हैं ये कर रहे हैं, ये है वो कर रहा है, अब ये सब काम काज तो यही सब कर रहे हैं, अच्छे बड़े मकान में रह रहे हैं, मैंने कहा इतना बड़ा मकान तुम, अरे ये सब बच्चों की है, बच्चे मानते ही नहीं क्या करो, बच्चे मानते ही नहीं, खुद को रहना बड़े में अच्छे से, बच्चों का नाम पंडित जी के पास आए तो बोले बच्चे मानते नहीं है, उनको उसका दोस्त दोस्त आए तो अपन ने एक एक चीज डिजाइन की, बच्चा तो मना कर रहा था, मैंने कहा ऐसे लोग हैं, उनको मालूम है किसको क्या बोलना है किसको क्या बोलना है, एक एक कमरा दिखाते हैं तो पैसे वाला आ जाए तो उसको एक कमरा दिखाया जाए, ये मैंने डिजाइन किया, मैंने बच्चे को तो नहीं अक्ल आई थी, बच्चे को मैंने कहा बेटा जिंदगी भी पूरी हो जाएगी थोड़ा आराम से रहो, चाय होती ना चाय क्या, तो चाय कोई त्यागी वृत्ति के सामने चाय आए और घर वाले पूछे बार बार चाय 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 ले चाय ले आप भी ले ना आप भी ले, अरे तुमको मालूम नहीं बार बार पूछ रहे मेरे चाय का त्याग है, फिर उसी के मित्र लोग आए और चाय का पूछा ही नहीं उससे, क्या त्याग है इसे नहीं पूछना चाहिए, फिर तो चाय नहीं पूछी तो दोस्त लोग क्या समझेंगे कि घर में कोई इज्जत नहीं कि भैया आपने मना किया था कि मेरे से मत पूछा करो मेरे तो त्याग है, अरे उस दिन इसलिए मना किया था तुम बार बार पूछ रहे थे तुमको लग रहा था झूठी त्याग की कह रहे होंगे, नहीं तो पूछ क्यों रहे, तो इसलिए उनको ये लगा होगा कि चाय पीते हैं और इनको भले ही हम नहीं भी पीते हो लेकिन अपने को इनको तो ही नहीं बताना था कि अपन नहीं पीते, इनको तो ऐसे ही बताना तो पूछते फिर भी मना करता तो पूछ ही नहीं क्या है कि नहीं व्यवहार। तो ये जीव जो है ना कहाँ क्या करना है बहुत चतुर है, इसको धर्म धर्मात्मा दिखाना भी है लेकिन किस पे दिखाना है किस पे नहीं दिखाना है सब मालूम है इसको। अब वो कह रहे हैं आचार्य देव कि तुम भले ही ऐसे बच जाओ यहाँ तो तुमने कह दी चलो 10 तर्क दे दिए और तर्क दे के सिद्ध कर दिया कि इस पंखे संबंधी या किसी भी संबंधी हिंसा का दोष हमको नहीं लग गया, लेकिन बताओ क्या वास्तव में तुम्हारे अंदर में उसके प्रति का राग भाव बैठा कि नहीं बैठा है, तो तुमको हिंसा लग रही है तुमने यह समझा दिया उससे नहीं होगा काम, कर्म को समझा सकते हो तुम, तुम्हारे परिणाम तो निर्बल नहीं है तो कर्म बंद तो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि यद्यपि देखो निश्चय नहीं तो यही है कि पर वस्तु के निबंधन से सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, इस जीव को सूक्ष्म भी हिंसा नहीं है पर वस्तु के कारण, माने हमारे जी हमारे घर में जितने भी जो हिंसा के साधन है हिंसा उससे नहीं हो रही है, गीजर से
पंखे से गाड़ी घोड़े से वो हिंसा के कारण नहीं है, लेकिन तो भी हिंसाए तन निवृत्ति परिणाम विशुद्ध है। यदि तुम अपने परिणामों की विशुद्धि चाहते हो तो हिंसा के आयतनों का भी त्याग करो। ये कह रहे यद्यपि पर वस्तु के निमित्त से हिंसा नहीं होती, लेकिन जिसे अपने परिणाम विशुद्ध रखने होते हैं वो हिंसा के जो आयतन होते हैं ऐसी पर वस्तु उनका भी त्याग अवश्य ही करता ही है। देखो पुरुष के जो भी हिंसा होती है वह तो अपने परिणामों में हिंसा करने का भाव हो जाने से होती है, अन्य वस्तु तो सूक्ष्म हिंसा के लिए भी कारण नहीं होती है। फिर यहाँ ऐसा कोई यहाँ कोई प्रश्न करता है यदि परद्रव्य के निमित्त से सूक्ष्म हिंसा नहीं होती है तो बाह्य वस्तु का त्याग रस संयम किस लिए करते हैं? इसका उत्तर कहते हैं हिंसा तो जीव के हिंसक परिणाम होने पर ही होती है, परंतु जो हिंसा के स्थानों में प्रवर्तन करेगा उसके हिंसा के परिणाम कैसे नहीं होंगे? इसलिए अपने परिणामों की विशुद्धता के लिए जहाँ हिंसा होती हो ऐसे खान पान ग्रहण आसन वचन चिंतन आदि का त्याग करना उचित ही है। बाकी कल करें।